हुती विद्रोहियों ने यमन के लाल सागर में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने फिलहाल उस रूट पर अपना ऑपरेशन रोक दिया। लाल सागर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मुख्य समुद्री रास्ता है। इससे स्वेज नहर के रास्ते होने वाले कारोबार पर भी खतरा पैदा हो गया है। 193 किलोमीटर लंबी इस नहर का ग्लोबल ट्रेड में 12% योगदान है। दुनिया का 30% कंटेनर मूवमेंट भी इसी रास्ते से होता है। हुती विद्रोही अब तक 13 जहाजों पर ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों से हमला कर चुके हैं। इन जहाजों को लाल सागर का गेटवे कहे जाने वाले बाब अल मंदेब में निशाना बनाया गया है। इस मामले में भारत के लिए चिंता की बात यह है कि 2021 में स्वेज नहर में भारत का करीब $200 अरब का समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता था, लेकिन कोरोना महामारी के बाद अब इस आंकड़े में काफी बढ़ोतरी हुई है। भारत स्वेज नहर के रास्ते यूरोप को फूड प्रोडक्ट्स, अपैरल और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक्सपोर्ट करता है। साथ ही इसी रास्ते से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात भी करता है। यदि ये संकट गहराता है तो खासकर रूस में होने वाले कच्चे तेल के आयात पर बुरा असर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 9% बढ़कर 17.3 लाख बैरल प्रतिदिन पहुँच गया है। रूस से आ रहा तेल स्वेज नहर के रास्ते ही आता है। ऐसे में अगर वहां संघर्ष बढ़ता है तो भारत को वैकल्पिक रास्ता खोजना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।